हमारे सभी दोस्तों और किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मैं अपने फार्म में 500 बतख रखा हूं उससे कितने हमें अंडे आ रहे हैं। मैं इसलिए आज ये बात करना चाहता हूं क्योंकि ये अभी जो सीज़न चल रहा है वो अंडों का सीज़न चल रहा है, क्योंकि इस समय ठंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बतख जो है अंडे देती हैं और इस समय रेशियो अंडों का भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हमारे किसान भाइयों ने कुछ कमेंट कर कर भी लिखा है कि कितना रेशियो और कितना परसेंटेज में हमारे फार्म में अंडे आ रहे हैं उसके बारे में बताएं और क्या क्या ध्यान देनी चाहिए इस ठंडी के मौसम में ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे, क्योंकि पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है बतख फार्मिंग में वो आपके ठंड के मौसम में ही होती है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनोवेटिव फार्मिंग। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो क्या होता है कि जब शुरुआत का ठंडे का दौर होता है तो उस समय प्रोडक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर बीच में क्या होती है, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो उस समय बतख क्या होते हैं कि वो अपने अंडों का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर और जो बाहर का तापमान है उसमें बैलेंस नहीं हो पाता है और फिर से वो अपने आप को बॉडी को जो बाहर का टेम्परेचर है उसे स्टेबल करने के लिए उनको कुछ समय लग जाता है। तो वो क्या होता है कि बीच दौरान में काफ़ी किसान भाई हमारे कह रहे थे कि बीच दौरान में क्या हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन रेट था वो 70-80% तक पहुंच गया था, पर फिर से वो अचानक गिर करके अभी 40-50% के भी रेशियो में आ गया है। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है अचानक सा तो क्या होता है कि आपके फार्म में जो प्रोडक्शन का रेट है वो अचानक से घट जाता है, क्योंकि जो बतख होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से सूट नहीं कर पाता है और वो फिर उनका जो है प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेते हैं। ये सप्ताह 10 दिन का टाइम लगता है और फिर से आपका प्रोडक्शन रेट धीरे धीरे रेशियो बढ़ने लगेगा। और जैसे कि मैं अपने फार्म की बात करूँ तो मेरे फार्म में अभी फ़िलहाल 550 के आसपास में बतख है, जिसमें आपको नर 50 अब ऊपर है और 500 के आसपास में मादा बतख है। तो अगर अभी पर डे का रेशियो के हिसाब से देखें तो मेरे फार्म से अभी जो आ रहा है वो 65-70% या फिर बहुत ज़्यादा भी जा रहा है तो 75% के आसपास में प्रोडक्शन रेट जा रहा है, जो कि आपको 300-350 कभी कभी 360-370 इस रेशियो में मेरा अंडा आते रहता है। कभी 320 आता है, कभी 350 आता है, कभी 360 आता है, कभी फिर गिर जाता है, कभी 330 हो जाता है। तो मेरा रेशियो है कि इसी के बीच में मेरा पर डे का जो रेशियो है वो अंडों का आते रहता है। और मैंने अपने वीडियो में भी दिखाया है कि किस प्रकार मतलब हमारे अंडे जो है वो आते हैं, और जो मैंने अपने वीडियो को शेयर किया वो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली। तो हमारे सभी किसान भाइयों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो हमारा जो महीना होता है जो नवंबर के लास्ट से स्टार्ट होता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक चलता है, ये महीना काफ़ी ज़्यादा डक फार्मिंग में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अंडों की और इसी में सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में अंडों का डिमांड सबसे ज़्यादा है मार्केट में। अगर आप हैचरी में नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपका मार्केट में इतना डिमांड है कि आप 10 रुपये पीस या फिर 12 रुपये या फिर 9 रुपये मिनिमम तो अमाउंट में आपका पर पीस अंडा बिके जाता है। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए अपने फार्म को, क्योंकि अगर आप ये 4 महीना मेहनत अच्छे से करते हैं और आप अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, आप अच्छे से अपना फार्म का केयर करते हैं, अच्छे से मेडिसिन देते हैं और ध्यान दीजिए अपने फार्म के ऊपर ताकि आपका प्रोडक्शन का जो रेट है वो बना रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है अपने फार्म में, आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा, बिल्कुल आपको आगे सुझाव दूंगा कि क्या उसमें मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर क्या आपके फार्म में कमी है जिसके कारण ये प्रोडक्शन का रेट आपका बढ़ नहीं रहा है। और बात करूं तो बिल्कुल आप ये जो दिसंबर से लेकर के मार्च का समय है इसमें आप बिल्कुल आप अपने फार्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे किसान भाइयों का 80-85% तक का रेशियो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर आपको फार्म में अपने दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैंने अपना नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया और इसमें भी मैंने अटैच कर दिया है, तो बिल्कुल आप हमें हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं।
एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ठंडी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दिन के टाइम में आप अपने फार्म में 8 बजे तक ज़रूर फार्म को खोल दें, और कम से कम 4 से 5 बजे तक ज़रूर फार्म के बाहर ही रखें अपने डक्स को, ताकि वो दिन में मतलब धूप ले सके अगर धूप का मौसम है तो, ताकि जो शरीर है वो अच्छे से एडजस्ट हो सके, ताकि आपका जो बॉडी का बैलेंस होता है डक्स लोग का वो अच्छे से मेंटेन रह पाए और हेल्थ भी अच्छा बने रहे। तो आगे मैं इसी प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैंने अपने फार्म के बारे में ही बता दिया, मैंने अपना प्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अगर किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि खास करके ठंड के मौसम में बत्तख को क्या फीड देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो अंडों का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस में बना रहे और अच्छा प्रोडक्शन आते रहे, और क्या मेडिसिन देने चाहिए साथ में, क्योंकि ठंड के टाइम में अलग हो जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर, तो इसमें मेडिसिन और जो आपका फीड है वो बिल्कुल बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्शन रेट ना घटे। तो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा, तब तक से आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।